अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन सीख कबाब, तो आधे कबाब। तो इसके लिए लिया है मैंने आधी किलो कीमा, ये हमने मिक्सी में पीसा था फ्रेंड्स। ये बोनलेस है चिकन, तो आधी किलो है। इसके अंदर हम मसाला डालेंगे। इसके अंदर हम पहले डालेंगे आधा लेमन, तो मैंने फ्रेंड्स आधा लेमन डाला है इसके अंदर। हम एक डालेंगे प्याज बड़ी सी, चॉप कर ले बारीक, और उसका पानी भी निकाल सकते हैं, मैंने कुछ नहीं निकाला। ये डाला है हमने हरा धनिया ढेर सारा, ये तीन हरी मिर्चें, थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स, ये मैं सब डाल देती हूँ फ्रेंड्स। मैं डाल देती हूँ पहले, इससे मैं डालूँगी फ्रेंड्स आधा चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग यानी 1 टेबल स्पून। मिर्ची डालूँगी आधा स्पून नमक मिर्ची, फ्रेंड आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और हम थोड़ा सा डालेंगे कोरमे का मसाला, यानी आधा स्पून कोरमे का मसाला डालेंगे फ्रेंड्स, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे फ्रेंड्स। और थोड़ा सा हम डालेंगे देसी घी, वो भी आधा स्पून। और हम इसमें डालेंगे एक अंडा और ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स ये फ्रेंड्स ये हैं, ये मैंने मिक्सी में ताज़ी ब्रेड थी ये पीस ली थी, तो मैं सब चीज़ों को मिक्स करके आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे मिक्स कर लिया अच्छे से। तो हमारा आधी किलो कीमा था यानी चिकन का, 10 रुपये की ब्रेड थी, इसको मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिया था फ्रेंड्स। और आधा चम्मच मैंने डाला है इसमें चाट मसाला, और थोड़ा सा नमक और डाला था फ्रेंड्स, और एक अंडा डाला है। तो अब इसके हम कबाब बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये गोश्त ले रही हूँ, ये जैसे भी आप देख रहे हैं मैंने इतना लिया है, और आपके पास अगर स्टिक, मेरे पास भी नहीं है फ़िलहाल, तो मेरे पास ये है। हम इसमें बना लेंगे अपने कबाब। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे कबाब बना लिए। तो देखिए फ्रेंड, मैंने कढ़ाई रख दी, तेल रख दिया, तेल हमारा हो चुका है, इसमें हम कबाब डालेंगे एक एक करके। तो देखिए फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, मैं डीप फ्राई कर रही हूँ। मीडियम तेल में डालना फ्रेंड्स, ज़्यादा तेज़ तेल में नहीं डालना, क्योंकि हमारा गोश्त इतना कच्चा है, थोड़ा वो भी अच्छे से पक जाएगा। तो मैंने 4 डाले, ज़्यादा ना डालें आप भी फ्रेंड्स, वरना टूट। तो देखिए फ्रेंड, हमारे कबाब ऑलमोस्ट हो चुके हैं, हमें 5 मिनट ही लगे, ज़्यादा नहीं लगे फ्रेंड, अभी थोड़े से और होने देते हैं, फिर हम निकाल लेंगे फ्रेंड इन्हें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे कबाब तैयार हो गए, आधे किलो गोश्त में ढेर सारे कबाब। और प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छे और टेस्टी बने हैं, और ये बहुत यम्मी बने हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। और आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना खूब सारा ख्याल रखें, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।